वहाँ बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो हमने कहा चलो थोड़ा लाइट के सामने अपनी बात पूरी कर दें। धीरे धीरे देखा ना एकदम अंधेरा हो गया बाहर, खामोश पेड़ खड़े, संध्या का समय, यही जीवन है। इसके लिए लोग पाप करते हो, हैं? पूजा पूजा पूजा, देखा पूजा, सांड की सेवा, ऐसे हालत में बंदर की सेवा, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्य भी यही हाँ में हाँ मिलाते कि नहीं महाराज, इससे बड़ी साक्षात नंदी की सेवा, बंदर की सेवा, बंदर कौन है, हनुमान जी तो हैं, उन्हीं के तो अंशज वंशज हैं सब। घायल हालत में कितना व्याकुल था, यानी इतनी भयानक पीड़ा थी, वो मारे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। अस्पताल ससुरा अस्पताल तो एक बहाना था, बेचारे लेके गए वहाँ, इंजेक्शन लगा दिए, पता नहीं कौन इंजेक्शन लगाए कि उसके बाद उसको और उसकी व्याकुलता बढ़ गई। इंजेक्शन वगैरह हमारे ख्याल से जल्दी तो नहीं लगवाना चाहिए, इंजेक्शन के बाद ही उसकी हालत ख़राब। हम कई हमारे यहाँ कितने जानवर मर गए, इंजेक्शन लगवाओगे बस, ये जानवर बानवर ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको इंजेक्शन नहीं चाहिए, टैबलेट वगैरह दे दो, बाकी भगवान भरोसे। लेकिन उसका जाना ही अच्छा था, रीढ़ की हड्डी कूबड़ निकल आया था, कमर टूट चुकी थी, वो जीता होता तो कितना उसको कष्ट होता, हमें कितना झेलना पड़ता, सोचिए। काम पर काम आता है, ये प्रभु की परीक्षा है। एक रायबली का सबसे खतरनाक सांड मेरे घर के अंदर है, लौकियाँ तीमारदारी कर रही, हमको भी लगना पड़ता है, कंपाउंडर को बुलाना पड़ता है, कितना गहरा घाव है। 1 अगस्त को आया था, अभी पूरा अगस्त ले लेगा शायद जख्म इसका भरे, इसीलिए बनाते हैं कि अरे इसको देख देख के सोच, और सोच के ऐसे कामों में पैसा लगा तो तेरे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, तेरा बेटा बच जाएगा, लकवा तुझे नहीं मारेगा, है ना, तेरे घर में कोई शराबी कबाबी नहीं पैदा होगा, है ना। सोच पहले, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, जिसके मन में दया नहीं, जब ये जो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि क्या वैष्णो जंतो टेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, वैष्णो जंतो तेने कहिए, है ना, सुनते तो सब हो, लेकिन भाई स्वामी जी, यहाँ स्वामी जी लंगोटा के अंदर से खुजवा के दिए आशीर्वाद आपको, अरे मूर्ख, कभी पूछा है कि स्वामी तो क्या मनुष्य है, तेरे अंदर कोई मनुष्यता के लक्षण हैं, हमको तेरी काबिलियत नहीं चाहिए कि तुझे कौन वो कौन इस श्लोक का स्त्रोत्र कौन मंत्र याद है, वो रावण भी जानता था, रावण से ज़्यादा विद्वान कौन था, लेकिन मनुष्य नहीं था, मानवता नहीं थी उसमें, इसलिए राक्षस बन गया था, है ना। मांस मदरा खाने का अंजाम जानते हैं क्या होता है, मांस और मदरा आपको कभी ज्ञानी नहीं होने देगा। करोड़ों में एक ऐसे भी हमने देखे हैं, करोड़ों में कि मांस भी खाते हैं और परम दयालु भी हैं, तो हमने सवाल किया, अब चूंकि उनके परिवार में हरेम का नहीं महाराज, अरे आप इतने बड़े दयालु हो करके ये मांस, अरे बाप बाप, राक्षसी भोजन, ये जानवरों का भोजन है, जानवरों के 4 दांत अलग होते हैं मांस खाने वालों को, घोड़ा घास घोड़ा के नाम से हार्स पावर चलता है, घोड़ा का नहीं मांस खाता, गाय का नहीं मांस खाती है। हवाई अड्डे के डायरेक्टर रह चुके रायबरेली में पी बसवार साहब, बहुत धर्मात्मा आदमी, कहने कभी कभी, हम कहा नहीं सर कभी कभी के क्या मतलब हुआ, इतना धर्मात्मा आदमी कि चारा खरीद के जानवरों को, कहीं घोड़े वालों को मना कर रहे हैं, एक्के वालों को मना कर रहे हो, कोंच रहा है, अभी बेचारे इस दुनिया में होंगे वो जहाँ भी हैं, ऐसे महात्मा, वही स्वभाव विचार से महात्मा बनो, कर्म से महात्मा बनो, कपड़े की जरूरत नहीं है, जटा के रखने की जरूरत नहीं है, दाढ़ी की जरूरत नहीं है, हमको तो मजबूरी में रखना पड़ा, हम जानवर उठवा रहे हैं, अब लोग देखते हैं बाबा जी तो लोग हमारी मदद करते हैं, पहले मैं पैंट कमीज में जाता था तो कोई करीब नहीं आता था, तो हमको इस भेस में मजबूरी में आना पड़ा, इस भेस को बना करके हम चंदा नहीं लेते, हम पैसा नहीं लेते, लोग पैसा देते हैं तो मैं वापस कर देता हूँ,
ले जाओ अपना पैसा, पैसे की जरूरत नहीं है, सहयोग करो, सेवा करवाओ, हाथ में हाथ बटाओ। हम भी आदमी हैं, जहाँ सुबह आँख खुली बंदर भो, इतवार है भवनेश्वर, मंगल है ऊंचा हार, बृहस्पतिवार है मझलहा, मतलब वहाँ की चिंता हो जाती है, हाँ साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक से एक अभागे पड़े हैं सब, बदनसीब भोग रहे हैं, मर रहे हैं, एक एक पैसे के साले मोहताज हैं। लेकिन उनसे कहो सही धर्म करो तो ना 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 ना, स्वामी जी ब्राह्मण जी, पांच ब्राह्मणों को बुला के भोजन, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, मैं इनकार करता हूँ कि नहीं साहब, गरीब ब्राह्मणों को भोजन करो, हमारे पास खाना है, साधु है तो क्या हुआ, साधु हो गए सेवा कर रहे हैं, दुनिया ने हमको साधु कहा। तो कहने का मतलब यही है कि सुपात्र को दीजिए ब्रह्म भोज, अब आ रहा है ना पितर पक्ष, ब्राह्मण भोज मैं तो बच्चों को देता हूँ पिताजी के नाम से, अब किसी जात किसी धर्म के हों, दिमाग नहीं भरा ब्राह्मण होने, क्यों ब्राह्मण होना चाहिए, ये तो बेईमानी है, क्या दूसरी जात का वो बालक जो है मनुष्य नहीं है, अरे चलो भर पानी में डूब मर। किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, जो किताब में लिखा है करते हो, है किताब में लिखा तो है कि नीचे निगाह करके चलो, किसी लड़की औरत पराई औरत को मत देखो, लेकिन आज क्या आप करते हैं, हाँ 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 है, खिजाब लगा करके झुर्री पड़ गई है ना, खिजाब लगाते हैं जाके, बुढ़िया बुढ़िया मार इतना बड़ा ब्लाउज खाले लटक गई हैं, वो आती हैं एक से एक बुढ़िया ब्यूटी पार्लर में, हम देखते हैं हमारी बेटी के ब्यूटी पार्लर भी चलता है, उसी की आमदनी से मैं काम कर रहा हूँ, तो मन में हंसी आती है, अरे कलयुग हैं खाले लटक गई हैं, लेकिन नहीं उम्मीद लगाए हैं, आशा लगाए कि लोग हमको देखें, चार लोग मेरे पीछे चलें, नियत है, पूजा आप करते हैं, पूजा करने के लिए बड़े तपस्या की जरूरत है, बड़े भाव की जरूरत है। इसी तरह काम कर रहे थे, अचानक बात आ गई दिमाग में, हम कहा लाओ कुछ बोल डालें, शाम का देखा बिल्कुल, देखिए जहाँ मैं बना रहा था वो बिल्कुल अंधेरा हो गया, मैं यहाँ कमरे में आ गया हूँ, मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, बाहर देखिएगा आप कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए अंधेरा बिल्कुल, हल्के हल्के से पेड़ वगैरह शायद आ रहे हैं, उधर जहाँ सांड है जहाँ बंदर मरा पड़ा हुआ है लेटा पड़ा है वहाँ बत्ती जल रही है, तो इन्हीं को देखो समझो, बताइए हम इतना जो चिल्लाते हैं उल्टा सीधा बोल जाते हैं, अब शब्द का भी प्रयोग करते हैं इसलिए कि तेरे दिमाग में बात आ जाए, सोच पहले, वही है कि वह कूप मंडूक, कुएं कूप माने कुआं, मंडूक माने मेढक, कुएं का मेढक, कुएं के अंदर जो रहता है कभी गिर जाते हैं सब, तर तर तर, बस उनके लिए पूरी दुनिया वही होती है, पंडित जी हवन जी ये सामग्री जी, कहा नहीं पंडित जी रोज हवन करके करोड़ों रुपए आ जाता हूँ उनके यहाँ, क्यों दूसरे के माथे, दूसरे के नहीं, चाहे वो पापी नहीं पापी का बाप हो, कोई बुला रहा है का, पापी नहीं पापी का बाप हो, पंडित जी भोजन करते हैं वस्त्र लेते हैं जाके, है ना, इसी तरह बाबाओं के चक्कर में मैं भी पड़ा हूँ, एक जगह से अचला मिला, हमने कहा कहीं नहीं नहीं वो अपमान हो जाएगा मेरा, और बाबा जी इसको ले जाइए, हमने सोचा किसी को दे देंगे, लाल रंग का कपड़ा लगा है, हम कहा अच्छा चलो अब एक बार दो बार तो हम पहन लें, और लाल रंग का अचला हमने जब जब पहना है तब तक हमको लाश उठाना पड़ा है, कहीं गधे का कहीं बंदर का कहीं गाय का, उस अचले में उसको मैं किसी गरीब आदमी को ढूंढ के दे दूँगा, गरीब हो बाबा हो कोई, बाबा मतलब जो सेवा करे वही बाबा है, जो सेवा नहीं करता वो बाबा नहीं है, बंद कर दे उसका खाना पीना, हाथ पैर में दम है जाके सेवा कर, भगवान ने गाय की सेवा किया है रे तो तू भी कर, बाबा 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 अंधा समाज सेवा कर जाके। तो वाणी को विराम देंगे क्योंकि समय की वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी, हल्की हल्की सी लाइट है, तो अचानक विचार आया कि जीवन कुछ नहीं है कहानी है,
एकदम कहानी है, थोड़ी दिन की कहानी है सर। बढ़ापा, दुर्दशा, जितने कर्म करोगे यही भोगना पड़ेगा। अरे हम तो इतना फूंक फूंक के कदम रखते हैं तब भी हमको कितना कष्ट मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। कितने हमारे हरामजादे पट्टीदार कितनी ज़मीन बेच डाले, लाखों लाखों का मेरा हरामजादों ने नुकसान किया। कितनी बार मन में आया कि साले के लिए क्या करें क्या न करें, लेकिन फिर मन ने रोका, करे छोड़ो, ये हरामजादे तो चाहते ही हैं कि हम कोई कड़ा कदम उठावें और हम भी जेल के अंदर जाएं। ले जाने दो इनका, तो ऐसे ही विध्वंस हो जाएगा सबराना इनका, हो नहीं जाएगा, हो रहा है। सारी आमदनी उनकी बंद हो रही, यहाँ वहाँ सिर्फ जी रहे हैं, खा रहे हैं किसी तरह, जिनको हवाई जहाज से उड़ना था। क्या हुआ बेईमानी करके, करो बेईमानी। एक दुर्गा मार्केट जो कहा जाता है, ये हमारे बड़े भाई साहब का था, इसमें कोने में उनकी जो दुकानें थी वो एक हमारे एक मझले भाई को दिया, इंद्राणी वालों को, किराए पर। अब किराया मांगे वो भला इंद्राणी वाले, क्या पूछना, पुराने नटवर लाल 5 बीघा जमीन वो गड़प कर गया सिविल लाइन का, ससुराल से मिली थी, आईएस पास करके आए थे क्या? अरे वो माता जी की कृपा थी, सब घर का पैसा लगाया गया कि हमको लड़की की शादी में कुछ नहीं चाहिए, है ना, सारा घर का पैसा गया माता जी ने लगाया। तो 5 बीघे जमीन में तो सबको हिस्सा मिलना था ना, 5 बिस्वा नहीं किसी को मिला, 1 बिस्वा नहीं मिला, पी गया घोर करके 5 बीघा। अभी थोड़ा सा इतना सा बचा है बस, ठीक। इंद्राणी वाली दुकान में गए, इंद्राणी वाली दुकान के बगल में हमारी दुकान थी। बड़े भाई साहब से मैंने कहा था कि ऐसा जीना बनाइए कि आपका आदमी चला जाए और हमारा किराएदार हमारे ऊपर चले जाए, लेकिन बड़े भाई होनी नहीं इस बात समझ में आई। उनको तो यह था कि बस खुराफात करो, वो जानते थे कि मैं अमर फल खा के आया हूँ। अब किया खुराफात उन्होंने कि एक भाई के पास 2 दुकानें छोटी छोटी और एक भाई के पास इतना बड़ा मार्केट, कोई बात नहीं ले जाओ, हमने कभी आपत्ति नहीं किया। ये जो छोटी छोटी दुकानें थी, यानी टट्टी की बाल्टी हमको मिली, स्टील का कंडाल आप ले गए, तो हमारी टट्टी वाली बाल्टी में जो कुंडा कड़ा होता वो तो न निकालते, वो कड़ा ही उनके लिए जहर बन गया। कड़ा ही निकाले, यानी हम जीना पर अपने दुकान पर नहीं जा सकते थे, रोड पर से अगर हम जीना बनाते तो पूरा ख़ानदान को आपत्ति हो जाती, कल को कोई नाराज़ होता साथ जीना हटाइया, क्या करते हम, इसलिए हमको दुकान बेचनी पड़ी, ठीक। हम तो मिट गए, हट गए, लेकिन जो इंद्राणी वाली दुकान थी नीचे से ऊपर तक, आज तक वो कभी उस पर कोई कामयाब नहीं हुआ न होगा। एक साहब आए रहे कब्जा करने के लिए तो मर गए, एक वकील साहब थे वो मर गए, और जो इसमें जाएगा वो मरेगा। हमारी हाय, हमारी शराब लगी थी, हम सड़क पर खड़े होके हमको चिल्लाना पड़ा था। अब भी हरामजादों से कहा है, कह रहे हो करोड़ों का है, 80 लाख 90 लाख की दुकान है, वो आपस में मिल बैठ के बेच ले, जिसका जो है हिस्सा हो उसको दे दे, हमारा जितना नुकसान हुआ है वो भी दे दे, तो सबके पास मोटी रकम आ जाएगी, उससे काम चलेगा। लेकिन ना ना ना, वो बाहरी ले जाओ, ताला लगा रहेगा, कभी उसका फैसला होने ही नहीं है, और फैसला अगर होगा तो जब तक हमारा श्राप नहीं हटेगा आदमी मर जाएगा उसमें। काम हमारा ऐसा है, सारा जीवन लगा दिया, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को क्यों मैं ललकारता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ, अरे साधु, अरे महात्माओं, पहले मनुष्य बन जाओ, पहले यह जानो मनुष्य की क्या परिभाषा होती है, पहले यह जानो मनुष्य का मतलब क्या होता है। मनुष्य का यही मतलब हो, वो भी मनुष्य था, बछरामा के रहने वाला मंगलेश मिश्रा डॉक्टरी करता है बछरामा में, और किस तरह बेचारा कहाँ बछरामा कहाँ रायली मेरा नाम सुन के आया, पहले अस्पताल लेके गया, इंजेक्शन लगवाया, और तब कहे बाबा जी अब आप इसको किसी तरह रखिए। हमने कहा लाओ भाई, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, मेरे घर में साँड़ भरती है, पेड़ हजारों पौधा रोज का बंदर भोज, मौत है हमारी उसी में, लेकिन हम कैसे इनकार करें, बजरंग बली अपने आप आए हैं, मंगल का दिन है ना, लाओ। हमारी बेटी भी बेचारी अंजलि जो है, उसने भी कहा नहीं नहीं पापा जी, हम
हम लोग करेंगे। अब क्या बजरंग बली की कृपा, उन्होंने परीक्षा लिया और 2-2.5 घंटे के बाद जो बेचारे प्राण त्याग दिए, उनको भी राहत मिल गई, हमको भी राहत मिल गई। वरना हमको उनको भी देखना, बता हम सांप देखें कि बंदर देखें कि हम भोज करें कि हम पेड़ देखें कि पौधा देखें, हम क्या क्या करें। तो खैर काफ़ी बोले, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इन तमाम बातों को बोलते हैं, उसी में चुनी बातों को सुनो, जानो, करो, अपना भविष्य बनाओ। जब तक मनुष्य नहीं बन जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। रावण बहुत पूजा करता था भाई, है ना, अंजाम क्या हुआ, क्या हुआ अंजाम? इसलिए रावण बन के पूजा मत करो, विभीषण बन के पूजा करो, है ना, तो लंका का राज मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 14 अगस्त 2012 शाम के 7 बज रहे हैं।